www.attableek.com, the reviver of Iman. ताकत न हो हर इंसान में, चाहे वो कितना ही बड़ा वली के न हो, तो उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो अल्लाह के कलाम को अख्ज कर सके, उसको ले सके, उसे अपने दिल में बैठा सके। अल्लाह का कलाम बहुत बड़ा कलाम है, ऊंचा कलाम है, वजनी कलाम है, ताकतवर कलाम है। सिर्फ नबी के वास्ते से ही उस कलाम को ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पढ़ने में भी हम नबी के मोहताज, हमें कुरान मजीद कैसे पढ़ना चाहिए ये भी हमें नहीं आता। पढ़ने में भी हम हुजूर के मोहताज हैं। चुनाचे कुरान मजीद ने फरमाया, वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूला मिन्हुम यतलू अलैहिम आयाती। हमने पैगंबर भेजा इन्हीं लोगों में से जो उम्मीद थे। अगर कुफ्फार मक्का और कुरैश जो उम्मीद थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अगर नबी किसी और जगह से जहां तालीम का चर्चा था, जिनकी तहजीबें उस जमाने में भी अपनी शौहरत रखती थी, अगर उनमें से नबी भेज दिया जाता तो कोई कमाल की बात नहीं होती। कमाल की बात यह है कि वो भी लोग जिन्होंने रस्मी तौर पर कोई इल्म हासिल नहीं किया, उन्हीं के मजमुए में से एक पैगंबर जो उम्मी है, और उम्मी होने का मतलब यह है कि उसने इंसानों से कोई इल्म हासिल नहीं किया। वो उलूम जो तहसील किए जाते हैं, दूसरों से सीखे जाते हैं, कस्ब किए जाते हैं, दूसरों के सामने जानने तलम्मुस तय किया जाता है, इस तरीके पर आपने इल्म हासिल नहीं। उम्मी होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम हासिल नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इतना इल्म था कि किसी के पास भी इतना इल्म नहीं। खुद आप फरमा रहे हैं, उनकी तो इल्म अलावली वाला करी, मुझे पहले और बाद वाले सबका इल्म दे दिया गया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा। कुरान जैसा सहीफा जिसे मिला हो उसके इल्म का क्या कहें,
और फिर भी दुआ के लिए कहा गया इल्म पर इजाफे की दुआ फरमाते रहो रब्बे जिदनी इल्म, ये दुआ करते रहिए। तो आपके पास जो इल्म है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, वो किसी इंसान से हासिल नहीं किया, कस्बी इल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ अदाई इल्म है, बख्शिशी इल्म है। किसी इंसान के पास बैठकर पैगंबर नहीं पढ़ता, उससे कस्बे कैद नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो फिर जिससे उसने पढ़ा होगा वो पैगंबर हो, तो पैगंबर से बड़ा हुआ होगा, तो मैं तो पैगंबर का उस्ताद हूँ। तो पैगंबर का कोई उस्ताद नहीं होता, पैगंबर का उस्ताद तो बराह रास्त भाई ताला में, वो उसके कल्ब पर फैजान करते हैं, वो उसको वही फरिश्ते के जरिए पहुंचाते हैं। इंसान से वो तलम्मुस का शर्त नहीं रखता, न उससे इल्म हासिल करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जलील कद्र पैगंबर हैं और साहिब किताब हैं। इंजील उन पर नाजिल हुई थी जब वो बिल्कुल छोटे थे, तो उनकी वालिदा ने वहाँ एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाते थे, उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिठा दिया कि महल्ले के सारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमारा बच्चा भी वहाँ पढ़ेगा। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब पहले दिन वालिदा लेकर गई और उस्ताद के पास बिठाया, तो जो भी जबान थी उसके जो अल्फाबेट थे, जो हरूफ तहज्जी थे, तो पहला हर्फ उस्ताद ने कहलाया, मसलन अलिफ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, चूंकि पैगंबर किसी से दुनिया को इल्म देने आता है, लेने नहीं आता, अगर वो भी दुनिया से इल्म लेगा तो दुनिया वाले उससे बढ़ जाएंगे, उस्ताद का दर्जा शागिर्द से बड़ा हुआ हो। फिर तो उस्ताद ये कहेगा कि मैं पैगंबर हूँ, इसको तो मैंने पढ़ाया। तो नबी सिखाने के लिए आता है, दूसरों से सीखने के लिए नहीं आता। उसके उस्ताद तो बराह रास्त बारी ताला होते, वो उसको उलूम का फैजान करते हैं, उसके कल्ब पर इल्म का फैजान फरमाते हैं, वो उसको अख्ज़ करता है वहां से, चाहे वो इल्हाम के जरिए और चाहे फरिश्ते के जरिए। तो जब उस्ताद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि कहो अलिफ, मसलन उस जबान में जो भी पहला हर्फ ताजी हो, कैपिटल लेटर हो, वो कहलाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये लफ्ज ये हर्फ अदा करूंगा जब तुम मुझे इसके माना बताओ। उस्ताद ने कहा कि ये मुफरदात हैं, हुरूफ हैं, हुरूफ ताजी हैं, इनके माना थोड़ी होते हैं कि अलिफ के कोई माना है तो मैं तुम्हें बता दू। अलिफ के कोई माना नहीं, ये तो हुरूफ हैं, इनसे फिर वर्ड बनेगा और फिर वर्ड से फिर सेंटेंस बनेगा, जब जाके माना बनते हैं। एक हर्फ के कोई माना नहीं, जब हुरूफ के मजमुए से लफ्ज बनेगा तो माना पैदा हो, और फिर लफ्जों से सेंटेंस बनेंगे जब माना पैदा हो। एक हर्फ मसला नाजिम के कोई माना नहीं है, मैं तुमने माना क्या बता। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसे मोहम्मद लफ्जों को पढ़ हर्फों को पढ़ने के लिए यहाँ आपके पास नहीं आया, जब इसके माना ही नहीं है, यह माना है आपको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि माना ना हो, माना होंगे, आपको मालूम नहीं। तो ऐसे बेमाना हरूफ आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं तो ये नहीं पढ़ू। तो उस्ताद ने कहा कि भाई इसके माना ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से बताऊं। उन्होंने कहा ये मत कहो कि माना नहीं है, यूं कहो मुझे नहीं आता, ये कहना कि माना नहीं है ऐसा नहीं, ये कहो मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं ये कह देता हूँ कि मुझे नहीं आते, लेकिन उस्ताद को जरा गुस्सा था, तो कहा कि क्या तुम्हें आते हैं इसके माना, तो कहा हाँ मुझे आते हैं। तो कहा बताओ क्या माना है अलिफ के, तो कहा गुस्सा बताऊंगा जबकि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मैं बैठूँ और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आप बैठे। उस्ताद की जगह मुझे पिछाड़ दिया, मैं ही बता रहा हूँ अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं
आपकी जगह बैठूंगा और मेरी जगह सारे लोग की जगह चुनाचे उस्ताद बैठ गए वहां और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हर्फ के माना बयान की। ऐसा नजूल हो रहा था कि बयान करते ही चले गए, जिस पर उस्ताद ने कहा कि भाई ऐसा मालूम होता है कि ये बच्चा पढ़ने नहीं आया, पढ़ाने आया, इसकी कोई शान होगी, अल्लाह ताला ने इसे इंसानों को बताने और सिखाने के लिए भेजा है, ना कि इंसानों से सीखने के। चुनाचे उसी दिन से वो मकतब से उठा लिए गए। तो अंबिया अलैहिस्सलाम किसी से तालीम हासिल करने नहीं आए, किसी इंसान से तालीम हासिल करने का दाव उनकी जिंदगी पर नहीं होता, वो तो सारे इंसानों को सिखाने के लिए आते हैं। अल्लाह की तरफ से उन पर फैजान होता है, अल्लाह ही उनके मुअल्लिम है, वो उनको सिखाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ महल्ले में, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ रहते थे, तो वो कभी उन बच्चों के घर कुछ पक रहा है, मसलन माँ बाप में जो बैठे हुए घर में कोई चीज खा रहे हैं, बच्चे तो बाहर खेलने के लिए है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों से ये कह देते थे कि अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मा अब्बा ये खा रहा। बच्चे जब घर आते तो वो कहते कि हमारी अदम मौजूदगी में तुमने ये खाया, तो उन्हें ताज्जुब होता कि बच्चे तो बाहर खेल रहे थे, फिर ये किसने बता दिया इनको कि हमने इस वक्त ये खाया। तो पूछा बच्चों से कि तुम्हें कौन बता दे, बच्चों ने कहा कि ईसा बता देता, तो भी बच्चे थे बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि तुम ईसा के साथ मत खेला कर, उनके साथ बाहर मत टहला कर, बिल्कुल मत जाया कर, ये मालूम नहीं कौन मालूम होता है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इनके साथ मत जाए। सुना जो बच्चों को रोक ली। एक दिन एक बच्चे के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे, वो जब नहीं निकला बाहर और नहीं आया तो वो खुद उनके घर गए, तो उनके घर जितने बच्चे थे उन्होंने देखा कि ईसा हमारे यहाँ आ रहे हैं, अभी पूछेंगे कि फलां कहाँ है फलां कहाँ है, तो फिर बच्चों को ये ले जाएंगे बाहर। तो उन्होंने बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फलां फलां कहाँ है, तो कहा कि वो तो नहीं, तो कहा कि ये ताला लगा इसके अंदर कौन, ये ताला लगा इसके अंदर कौन। तो उन्होंने बहाना किया कि इसमें तो हमारे खिंजीर बंद, ये कहा कि हमारे सुअर बंद हैं, वो पले हुए हैं, वो इसमें हमने बंद करके ताला लगा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि होंगे खिंजीर होंगे, तुम कह रहे खिंजीर होंगे खिंजीर होंगे, ये कह बाद में जब ताला खोला तो बच्चों की जगह खिंजीर ही निकले। तो पैगंबर की तो एक शान होती, अल्लाह ताला बराए रास्त उसको इल्म दे दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके ये मदीने तैयबा तशरीफ लाए, गज़वा बदर हुआ, गज़वा बदर में जो लोग शहीद हुए थे उसमें उनके चचा भी थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, तो शकस्त हो गई कुफार को, 70 आदमी कत्ल हुए, 70 आदमी कैद कर लिए, उनके चचा भी थे। वो जब जंग में शिरकत के लिए मक्के से चले थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, तो पैसे रुपए जो कुछ उनके पास दनानी थे वो अपनी अहलिया को सपोर्ट कराए थे कि मैं जंग में जा रहा हूँ, कोई ठिकाना नहीं, वापस लौटू ना लौटू, इंतकाल हो जाए, कत्ल पेश आ जाए, तो तुम इनसे काम चला। चुनाचे यहाँ जंग में शहीद, और वो जब उसमें जंग में आ रहे थे तो बिल्कुल रात में जब घर के सब बच्चे भी सो रहे थे, कोई भी बेदार नहीं था, चुपके से अहलिया को बताया कि इस जगह दे रहा हूँ दनानी रखे, मैं जंग में जाऊंगा, अगर वापस ना आया तो तुमने इस्तेमाल कर। वहां जंग में ये वाकया पेश आया कि ये कैदियों में शरीक हो गए चचा,
वहाँ एक मसला ये था कि इन कैदियों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक ये हुआ कि इनसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, एक एहसान होगा, उसका एहसास होगा, दूसरे मुसलमान कमजोर पोजिशन में पैसे की जरूरत भी है तो फिदिया भी मिल जाएगा, और जो शख्स फिदिया ना दे सके वो 10 मुसलमान बच्चों को तालीम दे, यही फिदिया है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखा। इससे लोगों ने ये मसला भी निकाल लिया कि काफिर उस्ताद से पढ़ा जा सके। मसलन आपको कोई सीखना है और कोई दूसरा नहीं मिलता तो काफिर से भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। देखो सहाबा के बच्चों ने जो कुफार गजवे बदर में कैद हुए थे उनसे पढ़ा और उनका फिदिया ही करार दिया कि ये हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सके। खैर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कैद हो गए थे, उनसे जब फिदिये का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं कहां से फिदिया अदा करूं, कहा घर से मंगवा लीजिए, कहा घर से क्या मंगवाऊं, घर तो मैं कुछ देकर ही नहीं आया, घर तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी चची परेशानी का शिकार हो, मैं यहाँ कैद हो गया। तो हुजूर ने फरमाया कि वो रात में जो आपने चची से ये फरमाया था कि घबरान नहीं, ये बहुत से देरम जना नहीं रखे हुए हैं, अगर मैं शहीद हो गया कत्ल हो गया तो वो काम लेना, आपने ये चची से कहा था या नहीं कहा। तो पैगंबर को तो अल्लाह ताला किसी मौके पर जब मुनासिब समझते हैं तो बदला देते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम किसी से सीखने नहीं आते, वो सिखाने आते। अल्लाह का कलाम हमें उन्हीं के वास्ते से मिला है, अगर हुजूर दरमियान में न होते तो ये कुरान मजीद हमें नसीब ही नहीं होती, और कुरान मजीद को हम पढ़ भी नहीं सकते। एक तो आपकी विसातत से हमें मिल गया और दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुना कर तिलावत करके, जैसा कि तिलावत करना उनके वज़ाइफ़ नबूवत में से है, फ़राइज़ नबूवत में से है कि वो आयतें पढ़कर सुनाते हैं, पढ़कर सुनाकर हमें इस काबिल कर दिया कि हम पढ़ लेते, वरना कुरान मजीद की ताकत इतनी बड़ी हुई थी कि हम पढ़ भी नहीं सकते थे। आपने अपनी जबान से पढ़कर उसको ऐसा कर दिया कि हम पढ़ सकते हैं, उसको इतना नॉर्मल कर दिया कि हम उसे पढ़ें तो हमारा दिल फटता नहीं है, जबान फटती नहीं है। वरना कुरान की ताकत तो वो है कि अगर पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ के रेजे रेजे हो जाते। ये खुद कुरान मजीद में कि लो अंदर ना आदर कुरान अला जवल, अगर हम इस पहाड़ पर कुरान को नाजिल करते तो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो नबी का ही सीना होता है कि वो अल्लाह ने इतना कवि बनाया है कि वो अल्लाह की वही को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को उनका सीना बर्दाश्त कर लेता है और वो पढ़ लेते हैं, और वो जब अपनी जबान से पढ़कर हमें सुनाते हैं तो वो गोया ऐसा नॉर्मल हो जाता है कि हम पढ़ सकते हैं और ना हम पढ़ नहीं सकते, इतनी ताकत है कुरान मजीद कि हम पढ़ भी नहीं सकते। चनाचे हुजूर पे जब कुरान नाजिल होता था तो उसका इतना सिकल और बोझ होता था कि सख्त सर्दी के दिनों में आप पसीने से शराबोर हो जाते, पेशानी पर पसीने के कतरात छा जाते और टपकने लगते, कोई जानवर हुजूर का बोझ वही आने की शक्ल में बर्दाश्त नहीं करते। एक मुठनी कुसवा थी उस पर आप तशरीफ फरमा होते और कभी वही आती तो इतनी कड़ी तरीन मुठनी, उसकी आंखें उबल पड़ती, रगे फूल जाती, मुठनी बैठ जाती, बिलबिला उठती, इतनी वही में अल्लाह का कलाम है उसमें बड़ी ताकत होती है। एक सहाबी हुजूर के पास बैठे हुए थे, रान सरान मिली हुई थी, वही नाजिल हुई तो इतनी दूर उछट के बैठ गए, किसी ने कहा क्या बात हुई, कहा मुझे ऐसा लगा कि रान की हड्डी हट जाएगी, हुजूर पर वही नाजिल हो रही थी, सिर्फ बदन जरा सा टच था, बर्दाश्त नहीं कर सके। ये तो आप ही को अल्लाह ताला ने ये कुदरत नसीब फरमाई थी कि आपने 30 साल तक अल्लाह के इस पुर शौकत और भारी भरकम
कलाम को जो बड़ा तवील कलाम है 6666 उसमें आयते हैं, 23 साल की मुद्दत तक वही को हुजूर ने वसूल फरमाया और अपनी जबान अधर से पढ़कर ऐसा आसान कर दिया कि आज हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है, कमजोर से कमजोर आदमी और जवान बूढ़ा हर आदमी पढ़ लेता है। तो ये कितनी बड़ी इनायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके वास्ते से हमें ये कलाम मिला है। हमें चाहिए कि ऐसा कलाम जो नबी पर नाज़िल होता है, ऐसा कलाम जो नबी के जरिए से ही मिलता है, ऐसा कलाम जिसको हमारे पढ़ने के काबिल बना दिया कि हम उसको पढ़ नहीं सकते थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फैज है। उस कलाम को हम खूब पढ़े और ये जो कुरान की सालगिरह का महीना है, इसी महीने में तुषार रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान मजीद नाज़िल हुआ उसकी यादगार है, इसमें खूब कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें। इस महीने को कुरान की तिलावत के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, जितना सवाब इस महीने में कुरान मजीद के पढ़ने का मिलता है और महीने में पढ़ने का नहीं मिलता, इसलिए कि इस महीने में अल्लाह ताला ने भाव बढ़ा दिया, भाव बढ़ा हुआ और महीनों में जो सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब मिल रहा है। नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर मिल रहा है, फराइज का सवाब 70 गुना मिल रहा है, तो इतना सवाब और महीनों में नहीं मिलता। कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर सवाब मिलता है और अल्लाह ताला ने ये सवाब इसलिए दिया है कि उसकी अदायगी जरा दुश्वार है, उसके हुरूफ की जो अदायगी है, कुरान मजीद की तिलावत भी एक मुस्तकिल फन है और मुश्किल से अदायगी होती है, तो जब किसी चीज में मुश्किल ज्यादा पेश आती है तो बदला ज्यादा मिलता है, तो कुरान के हुरूफ की अदायगी जरा दुश्वार है, उसे सीखना पड़ता है, तो अल्लाह ताला ने उस पर अजर भी ज्यादा दिया है कि उसका मिनिमम जो बदला है वो 10 गुना, वैसे मैक्सिमम वो जितना चाहे दे दें, लाखों दे दें, तो चूंकि अदायगी दुश्वार है, बंदा मेहनत करके उसे अदा करेगा, सही अदा करेगा, तो उसे सवाब भी ज्यादा दिया है। एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां दी गई हैं, चूंकि वो मेहनत करता है उसे, तो अब रमजान में तो आप समझ लीजिए कि और उस पर इजाफा हो जाता है, 70 गुना का इजाफा हो जाता है, तो 70 गुना नेकियां इस वक्त भाव मिल रहा है, रमजान के खत्म होते ही ये भाव खत्म हो जाएगा, फिर 10 गुने का भाव रह जाएगा, तो इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मुबारक है वो जबान जिससे वो कलिमात अदा हों, जो कलिमात अल्लाह के कलाम के कलिमात, हुजूर के कलिमात भी नहीं है, हुजूर ने तो उसको जैसा का तैसा सुना दिया, हुजूर के कलिमात नहीं, अगर हुजूर के कलिमात होते और बेनी ये कलिमात अल्लाह के न होते जो कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, हुजूर के कलिमात होते तो हुजूर से फरमाया गया कि आप हद मोहम्मद, आप लोगों से ये कह दीजिए कि अल्लाह अकेला, ये कह दीजिए हद मोहम्मद, आप लोगों से ये यूं फरमा दें कि अल्लाह अकेला, आज का तर्जुमा अकेले का है, एक तो सभी मैं बैठा हूँ, एक आप बैठे आप एक तो सभी, लेकिन अकेले नहीं, अकेला तो अल्लाह की जात है, हमारे साथ तो सैकड़ों अल्लाह खड़े, एक आदमी किसी का बाप है तो किसी का बेटा है तो किसी का चचा है तो किसी का दादा है किसी का नाना है किसी का शौहर है, कितने अलायक रिश्ते लगे हुए, अल्लाह अकेले, उनको किसी टेके की और रिलेशंस की जरूरत नहीं है कि वो किसी के बेटे हो और किसी के बाप हो, किसी के चचा हो किसी के नाना हो, ऐसा नहीं, वो अकेले, हम लोग अकेले नहीं, गिनती में तो एक है लेकिन अकेले नहीं, अकेला उसे कहते हैं जिसका कोई भी रिलेशन ना, कोई भी रिश्ता नाता किसी से, अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई उसकी टक्कर का है ही नहीं, कोई उसके का कुफू ही नहीं, तो हुजूर से कहा गया कि यूं फरमा दो कि अल्लाह अकेला है,
अगर ये कलाम कुरान मजीद हुजूर का होता तो हुजूर यूं फरमाते, जब अल्लाह ने ये कहा मोहम्मद लोगों से जाके कह दो कि अल्लाह अकेला है, बेनियाज है, अल्लाह हुस्समा लम यलिद वलम यूलद, ये जाके कह दो तो हुजूर क्या कहते? हुजूर लोगों से आके ये कहते कि या अय्युहन नास इस्माउ अन्नी अल्लाह वहद, ये कहते या नहीं कहते? ए लोगो सुनो अल्लाह अकेला है। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं कहा, हुजूर ने बेआईनी वही अल्फाज दोहरा। इसको आप मिसाल में यूं समझ लो कि एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से यूं कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। ये आपने शागिर्द से कहा क्या कि बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। अब ये तालिबे जाता है और वहां जाके लाइब्रेरियन के पास जाकर बैठ कर कहता है बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। ये कलमा सुनते ही लाइब्रेरियन फैसला करेगा कि ये रिवायत भी लफ्ज है, जो उस्ताद ने कहा उसने वो ही लफ्ज यहां रख लिया। अगर ये वो लफ्ज नहीं होते तो वो जाके ये कहता कि भाई वो हमारे उस्ताद ने आपसे तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, खत्म, बात अदा हो गई। अगर वो ऐसे कह दे जाकर कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, मुझे भेजा है पहली जिल्द मंगाई, बात तो पूरी होगी। लेकिन कलिमा तो वो नहीं रहे जो उस्ताद ने कहे। उस्ताद ने क्या कहा था? बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद के लिए तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। तो वो वहां बैठ के क्या कह रहा है? बेटे लाइब्रेरियन चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरियन से कहना, वही लफ्ज। तो हुजूर ये कह सकते थे कि लोगो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, यूं नहीं कहा। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने लोगों से आके क्या कहा? क्या कहा? मोहम्मद लोगों से कह दो, लो अरे आप खुद ही कह देते इस्मा अल्लाह वाहद, लोगो सुनो अल्लाह एक। लेकिन यूं नहीं कहा, उन्होंने जो कहा था कुल हु अल्लाह वाहद, तो लफ्ज कुल भी दोहरा है और पब्लिक में आप क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद लोगों से कह दो कि अल्लाह एक। अब ये अल्फाज खुद इस बात को बता रहे हैं कि ये हुजूर के अल्फाज नहीं है, ये तो जो लफ्ज अल्लाह ने बोले थे बेअनी हुजूर को नकल कर। अगर बेअनी नकल ना होते तो ये कहते थे कि लोगों सुनो इस्माउ अन्नी अल्लाह वाह, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि जो अल्लाह ने कहा था हुजूर को जो कहा था कि मोहम्मद लोगों से कह दो कुल, माना ये तो वही आके लोगों से कह रहे हैं कि मोहम्मद लोगों से कह दो, वही लफ्ज दोहरा रहे हैं लोगों से। ये इस बात की दलील है कि ये कलाम बेन ही अल्लाह का है, हुजूर ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, खुद से कही। और अगर अपने तरफ से हुजूर उसी मफहूम को अदा करे, उसी माना को अदा करे, जैसे वो लाइब्रेरियन जाके कहते कि भाई हमारे उस्ताद ने आपको सलाम कहा तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, देखो मफहूम तो अदा हो गया, लेकिन ये अल्फाज उस्ताद के नहीं है, ये अल्फाज खुद इसके। अगर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि इस्माउ अन्नी अय्युहन नास इस्माउ अन्नी अल्लाह वाहद, तो ये हदीस होती कुरान में। अगर अल्लाह की बात को हुजूर अपने अल्फाज में ताबीर करें उसे हदीस कहें, और अगर अल्फाज भी अल्लाह के और मानिए भी अल्लाह के मफहूम भी अल्लाह का उसको कुरान कहें, अल्फाज भी उनके और महानी भी उनके। इतनी मुबारक वो जात कि जो कुरान की तिलावत करे, आप जब कुरान पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह के लफ्जों को अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, तो कितना खुश होता है। एक एक हमारे अफ्रीकन लोगों से, हमारे जो अफ्रीकन भाई हैं यहाँ मकामी, अगर कोई एशियन उनसे उन्हीं की जबान में बात करे तो वो खुश हो जाते हैं, खुश हो जाता है कि आप उसी की जबान बात करें। जब आप किसी से उसी की जबान में बात करें तो वो खुश हो जाते हैं। जब आप अल्लाह का कलाम अल्लाह के ही लफ्जों में पढ़ेंगे तो अल्लाह कितना खुश होते हैं। आप किसी मुसन्निफ की किताब पढ़े वो कितना खुश होते हैं।
तो जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के अल्फाज व मानी अल्लाह ही के हैं, हुजूर के सदके में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तोहफे में हमें अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी अच्छी इबादत और अपना जिक्र, अपनी याद और कुरान मजीद जैसी दौलत नसीब फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो ये उखरवी मानवी दौलतों से, रूहानी दौलतों से हम महरूम रहते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आप वास्ता बन गए और अल्लाह का पाकीज़ा कलाम हमें नसीब हो गया। अगर नबी की विसातत न हो हर इंसान में, चाहे वो कितना ही बड़ा वली क्यों न हो, तो उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो अल्लाह के कलाम को अख्ज कर सके, उसको ले सके, उसे अपने दिल में बिठा सके। अल्लाह का कलाम बहुत बड़ा कलाम है, ऊंचा कलाम है, वजनी कलाम है, ताकतवर कलाम है। हम सिर्फ नबी के वास्ते से ही उस कलाम को ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पढ़ने में भी हम नबी के मोहताज। हमें कुरान मजीद कैसे पढ़ना चाहिए ये ही हमें नहीं आता। पढ़ने में भी हम हुजूर के मोहताज हैं। सुना से कुरान मजीद ने फरमाया वल्लज़ी बअसतु मिन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयाती। हमने पैगम्बर भेजा उन्हीं लोगों में से जो उम्मीद थे। अगर कुफार मक्का और कुरैश जो उम्मीद थे पढ़े लिखे नहीं थे, अगर नबी किसी और जगह से जहां तालीम का चर्चा था, जिनकी तहजीबें उस जमाने में थी अपनी शौहरत रखती थी, अगर उनमें से नबी भेज दिया जाता तो कोई कमाल की बात नहीं होती। कमाल की बात यह है कि वही लोग जिन्होंने रस्मी तौर पर कोई इल्म हासिल नहीं किया, उन्हीं के मजमूए में से एक पैगंबर जो उम्मी है, और उम्मी होने का मतलब यह है कि उसने इंसानों से कोई इल्म हासिल नहीं किया। वो उलूम जो तहसील किए जाते हैं, दूसरों से सीखे जाते हैं, कस्ब किए जाते हैं, दूसरों के सामने जानूंगे तलम्मुस पे किया जाता है, इस तरीके पर आपने इल्म हासिल नहीं। उम्मी होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूम हासिल नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो इतना इल्म था कि किसी के पास भी उतना इल्म नहीं। खुद आप फरमा रहे हैं उठी तो इल्म अलवलीन वला करी, मुझे पहले और बाद वाले सबका इल्म दे दिया गया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा। कुरान जैसा सहीफा जिसे मिला हो उसके इल्म का क्या कहना,
और फिर भी दुआ के लिए कहा गया कि इल्म पर इजाफे की दुआ फरमाते रहो, रब्बे जिदनी इल्म, ये दुआ करते रहिए। तो आपके पास जो इल्म है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, वो किसी इंसान से हासिल नहीं किया, कस्बी इल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ अताई इल्म है, बख्शिशी इल्म है। किसी इंसान के पास बैठकर पैगंबर नहीं पढ़ता, उससे कस्बे फैद नहीं करता। अगर ऐसा होगा तो फिर जिससे उसने पढ़ा होगा वो पैगंबर हो, तो पैगंबर से बड़ा हुआ होगा, तो मैं तो पैगंबर का उस्ताद। तो पैगंबर का कोई उस्ताद नहीं होता, पैगंबर का उस्ताद तो बराह रास्त बारी ताला होता, वो उसके कल्ब पर फैजान करते हैं, वो उसको वही फरिश्ते के जरिए पहुंचाते हैं। इंसान से वो तलम्बुस का शर्त नहीं रखता, न उससे इल्म हासिल करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबर हैं, जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं और साहिब किताब हैं। इंजील उन पर नाजिल हुई जब वो बिल्कुल छोटे थे, तो उनकी वालिदा ने वहाँ एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाते थे, उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिठा दिया। तो महल्ले के सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमारा बच्चा भी वहाँ पढ़ेगा। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब पहले दिन वालिदा लेकर गई और उस्ताद के पास बिठाया, तो जो भी जबान थी, उसके जो अल्फाबेट थे, जो हरूफ तहज्जी थे, तो पहला हर्फ उस्ताद ने कहलाया, मसल कहो अलिफ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, चूंकि पैगंबर किसी से दुनिया को इल्म देने आता है, लेना नहीं आता, अगर वो भी दुनिया का इल्म लेगा तो दुनिया वाले उससे बढ़ जाएंगे। उस्ताद का दर्जा शागिर्द से बड़ा हुआ होता, फिर तो उस्ताद ये कहेगा कि मैं पैगंबर हूँ, इसको तो मैंने पढ़ाया। तो नबी सिखाने के लिए आता है, दूसरों से सीखने के लिए नहीं आता। उसके उस्ताद तो बराह रास्त बारी ताला होते, वो उसको उलूम का फैजान करते हैं, उसके कल्ब पर इल्म का फैजान फरमाते हैं, वो उसको अख्ज़ करता है वहाँ से, चाहे वो इल्हाम के जरिए हो और चाहे फरिश्ते के जरिए हो। जब उस्ताद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि कहो अलिफ, मसलन उस जबान में जो भी पहला हर्फ ताजी हो, कैपिटल लेटर हो, वो कहलाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये लफ्ज, ये हर्फ उस वक्त अदा करूँगा जब तुम मुझे इसके माना बताओ। उस्ताद ने कहा कि ये मुफरदात हैं, हरूफ हैं, हरूफ ताहजी हैं, इनके माना थोड़ी होते हैं कि अलिफ के कोई माना है तो मैं तुम्हें बता दूँ। अलिफ के कोई माना नहीं, ये तो हरूफ हैं, इनसे फिर वर्ड बनेगा और फिर वर्ड से फिर सेंटेंस बनेगा, जब जाके माना बनते हैं। एक हर्फ के कोई माना नहीं है, जब हरूफ के मजमूए से लफ्ज बनेगा तो माना पैदा हो, और फिर लफ्जों से सेंटेंस बनेंगे जब माना पैदा हो। एक हर्फ मसलन अलिफ के कोई माना नहीं है, मैं तुम्हें माना क्या बताऊँ। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसे मोहम्मद लफ्जों को पढ़ हर्फों को पढ़ने के लिए यहाँ आपके पास नहीं आया, जब इसके माना ही नहीं है, या माना है आपको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि माना ना हो, माना होंगे, आपको मालूम नहीं, तो ऐसे बेमाना हरूफ आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं तो ये नहीं पढ़ू। तो उस्ताद ने कहा कि भाई इसके माना ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ। उन्होंने कहा ये मत कहो कि माना नहीं है, यूं कहो मुझे नहीं आता, ये कहना कि माना नहीं है ऐसा नहीं, ये कहो मुझे नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये कह देता हूँ कि मुझे नहीं आते, लेकिन उस्ताद को जरा गुस्सा था, तो कहा कि क्या तुम्हें आते हैं इसके माना, तो कहा हाँ मुझे आते हैं। तो कहा बताओ क्या माना है अलिफ के, तो कहा तो उस वक्त बताऊंगा जबकि जहाँ आप बैठे हैं वहाँ मैं बैठूंगा, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आप बैठे। उस्ताद की जगह मुझे बिठाए, जब मैं ही बता रहा हूँ और आपको मालूम नहीं है, तो मैं
आपकी जगह बैठूंगा और मेरी जगह शागिर्दों की जगह बैठूंगा। चुनाचे उस्ताद बैठ गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हर्फ के माना बयान की। ऐसा नुजूल हो रहा था कि बयान करते ही चले गए, जिस पर उस्ताद ने कहा कि भाई ऐसा मालूम होता है कि ये बच्चा पढ़ने नहीं आया, पढ़ाने आया, इसकी कोई शान होगी, अल्लाह ताला ने इसे इंसानों को बताने और सिखाने के लिए भेजा है, ना कि इंसानों से सीखने के लिए। चुनाचे उसी दिन से वो मकतब से उठा लिए गए। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम किसी से तालीम हासिल करने नहीं आए, किसी इंसान से तालीम हासिल करने का दाग उनकी जिंदगी पर नहीं होता, वो तो सारे इंसानों को सिखाने के लिए आते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर फैजान होता है, अल्लाह ही उनके मुअल्लिम है, वो उनको सिखाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ महल्ले में, जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ रहते थे, तो वो कभी उन बच्चों के घर कुछ पक रहा है, मसलन माँ बाप है वो बैठे हुए घर में कोई चीज खा रहे हैं, बच्चे तो बाहर खेलने के लिए गए, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों से ये कह देते थे कि अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे अम्मा अब्बा ये खा रहे। बच्चे जब घर आते तो वो कहते कि हमारी अदम मौजूदगी में तुमने ये खाया, तो उन्हें ताज्जुब होता कि बच्चे तो बाहर खेल रहे थे, फिर ये किसने बता दिया इनको कि हमने इस वक्त ये खाया। तो पूछा बच्चों से कि तुम्हें कौन बता देता, तो बच्चों ने कहा कि ईसा बता देता, वो भी बच्चे थे बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि तुम ईसा के साथ मत खेला कर, उनके साथ बाहर मत टहला कर, बिल्कुल मत जाया कर, ये मालूम नहीं कौन मालूम होता है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इनके साथ मत जाए। चुनाचे बच्चों को रोक लिया। एक दिन एक बच्चे के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे, वो जब नहीं निकला बाहर और नहीं आया तो वो खुद उनके घर गए, तो उनके घर जितने बच्चे थे उन्होंने देखा कि ईसा हमारे यहाँ आ रहे हैं, अभी पूछेंगे कि फलां कहाँ है, तो फिर बच्चों को ये ले जाएंगे बाहर। तो उन्होंने बच्चों को अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि फलां कहाँ है, तो कहा कि वो तो नहीं, तो कहा कि ये ताला लगा है इसके अंदर कौन, ये ताला लगा है इसके अंदर कौन, तो उन्होंने बहाना किया कि इसमें तो हमारे खिंजीर बंद, ये कहा कि हमारे सुअर बंद हैं, वो पले हुए हैं, वो इसमें हमने बंद करके ताला लगा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि होंगे खिंजीर होंगे, तुम कह रहे खिंजीर होंगे, ये कहते हैं। बाद में जब ताला खोला तो बच्चों की जगह खिंजीर ही निकले आए। तो पैगंबर की तो एक शान होती है, अल्लाह ताला बराए रास्त उसको इल्म दे दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीने तैयबा तशरीफ लाए, ग़ज़वा बद्र हुआ, ग़ज़वा बद्र में जो लोग शहीद हुए थे उसमें उनके चचा भी थे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, तो शिकस्त हो गई कुफार को, 70 आदमी कत्ल हुए, 70 आदमी कैद कर लिए, उनके चचा भी थे। वो जब जंग में शिरकत के लिए मक्के से चले थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला, तो पैसे रुपये जो कुछ उनके पास दरंदनानीर थे वो अपनी अहलिया को सपुर्द कराए थे कि मैं जंग में जा रहा हूँ, कोई ठिकाना नहीं, वापस लौटूँ ना लौटूँ, इंतकाल हो जाए, कत्ल पेश आ जाए, तो तुम इनसे काम चला। चुनाचे यहाँ जंग में शरीक, और वो जब उसमें जंग में आ रहे थे तो बिल्कुल रात में जब घर के सब बच्चे भी सो रहे थे, कोई भी बेदार नहीं था, चुपके से अहलिया को बताया कि इस जगह दरंदनानीर रखे हैं, मैं जंग में जाऊंगा, अगर वापस ना आया तो मेरे इस्तेमाल। वहां जंग में ये वाक़ा पेश आया कि ये कैदियों में शरीक हो गए चचा,
वहाँ एक मसला ये था कि इन कैदियों के साथ क्या बर्ताव किया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक ये हुआ कि इनसे फितिया लेके छोड़ दिया जाए, एक एहसान होगा, उसका एहसास होगा, दूसरे मुसलमान कमजोर पोजिशन में पैसे की जरूरत भी है तो फितिया भी मिल जाएगा, और जो शख्स फितिया ना दे सके वो 10 मुसलमान बच्चों को तालीम दे, यही फितिया है, उन्हें पढ़ना लिखना सिखा दे। इससे लोगों ने ये मसला भी निकाल लिया कि काफिर उस्ताद से पढ़ा जा सकता। मसलन आपको कोई इल्म सीखना है और कोई दूसरा नहीं मिलता तो काफिर से भी पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। देखो सहाबा के बच्चों ने जो कुफार गज़वे बद्र में कैद हुए थे उनसे पढ़ा और उनका फिदिया ही ये करार दिया कि ये हमारे बच्चों को लिखना पढ़ना सीखे। खैर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की कैद हो गए थे, उनसे जब फिदिया का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी, मैं कहाँ से फिदिया अदा करूं, कहा घर से मंगवा लीजिए, कहा घर से क्या मंगवाऊं, घर तो मैं कुछ देकर ही नहीं आया, घर तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी चची परेशानी का शिकार होगी, मैं यहाँ कैद हो गया। तो हुजूर ने फरमाया कि वो रात में जो आपने चची से ये फरमाया था कि घबराना नहीं, ये बहुत से दिरहम दनानीर रखे हुए हैं, अगर मैं शहीद हो गया कत्ल हो गया तो वो काम लेना, आपने ये चची से कहा था या नहीं कहा। तो पैगंबर को तो अल्लाह ताला किसी मौके पर जब मुनासिब समझते हैं तो बदला देते हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से सीखने नहीं आते, वो सिखाने आते। अल्लाह का कलाम हमें उन्हीं के वास्ते से मिला है, अगर हुजूर दरमियान में न होते तो ये कुरान मजीद हमें नसीब ही नहीं होती, और कुरान मजीद को हम पढ़ भी नहीं सकते। एक तो आपकी विसातत से हमें मिल गया और दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुना कर तिलावत करके, जैसा कि तिलावत करना उनके वज़ाइफ़ नबूवत में से है, फ़राइज़ नबूवत में से है कि वो आयतें पढ़कर सुनाते हैं, पढ़कर सुनाकर हमें इस काबिल कर दिया कि हम पढ़ लेते, वरना कुरान मजीद की ताकत इतनी बड़ी हुई थी कि हम पढ़ भी नहीं सकते थे। आपने अपनी जबान से पढ़कर उसको ऐसा कर दिया कि हम पढ़ सकते हैं, उसको इतना नॉर्मल कर दिया कि हम उसे पढ़ें तो हमारा दिल फटता नहीं है, जबान फटती नहीं है, वरना कुरान की ताकत तो वो है कि अगर पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ के रेजे रेजे हो जाते। ये खुद कुरान मजीद में कि लो अंदर ना हाजल कुरान अला जवल, अगर हम इस पहाड़ पर कुरान को नाजिल करते तो पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो नबी का ही सीना होता है कि वो अल्लाह ने इतना कवि बनाया है कि वो अल्लाह की वही को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के मुकद्दस कलाम को उनका सीना बर्दाश्त कर लेता है और वो पढ़ लेते हैं, और वो जब अपनी जबान से पढ़कर हमें सुनाते हैं तो वो गोया ऐसा नॉर्मल हो जाता है कि हम पढ़ सकते हैं वरना हम पढ़ नहीं सकते। इतनी ताकत है कुरान में कि हम पढ़ भी नहीं सकते। चुनाचे हुजूर पे जब कुरान नाजिल होता था तो उसका इतना सिकल और बोझ होता था कि सख्त सर्दी के दिनों में आप पसीने से शराबोर हो जाते, पेशानी पर पसीने के कतरात छा जाते और टपकने लगते, कोई जानवर हुजूर का बोझ वही आने की शक्ल में बर्दाश्त नहीं करता। एक ऊँटनी कुसवा थी, उस पर आप तशरीफ फरमा होते और कभी वही आती तो इतनी कवी तरीन ऊँटनी, उसकी आंखें उबल पड़ती, रगें फूल जाती, उठनी बैठ जाती, बिलबिला उठती, इतनी वही में अल्लाह का कलाम है उसमें बड़ी ताकत होती। एक साहबी हुजूर के पास बैठे हुए थे, रान से रान मिली हुई थी, वही नाजिल हुई तो इतनी दूर उछट के बैठ गया। किसी ने कहा क्या बात हुई, कहा मुझे ऐसा लगा कि रान की हड्डी फट जाएगी, हुजूर पर वही नाजिल हो रही थी, सिर्फ बदन जरा सा टच था, तो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये तो आप ही को अल्लाह ताला ने ये कुदरत नसीब फरमाई थी कि आपने 23 साल तक अल्लाह के इस पुर शौकत और भारी भरकम कलाम को
जो बड़ा तवील कलाम है 6666 उसमें आयते हैं, 23 साल की मुद्दत तक वही को हुजूर ने वसूल फरमाया और अपनी जबान अधर से पढ़कर ऐसा आसान कर दिया कि आज हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है, बूढ़ा भी पढ़ सकता है, औरत भी पढ़ सकती है, कमजोर से कमजोर आदमी और जवान बूढ़ा हर आदमी पढ़ लेता है। तो ये कितनी बड़ी इनायत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके वास्ते से हमें ये कलाम मिला है। हमें चाहिए कि ऐसा कलाम जो नबी पर नाजिल होता है, ऐसा कलाम जो नबी के जरिए से ही मिलता है, ऐसा कलाम जिसको हमारे पढ़ने के काबिल बना दिया कि हम उसको पढ़ नहीं सकते थे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फैज है, उस कलाम को हम खूब पढ़ें। और ये जो कुरान की सालगिरह का महीना है, इसी महीने में तुषार रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान मजीद नाजिल हुआ है, उसकी यादगार है, इसमें खूब कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें। इस महीने को कुरान की तिलावत के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, जितना सवाब इस महीने में कुरान मजीद के पढ़ने का मिलता है और महीने में पढ़ने का नहीं मिलता, इसलिए कि इस महीने में अल्लाह ताला ने भाव बढ़ा दिया, भाव बढ़ा हुआ, और महीनों में जो सवाब मिलता है उससे ज्यादा सवाब मिल रहा है। नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर मिल रहा है, फराइज का सवाब 70 गुना मिल रहा है, तो इतना सवाब और महीनों में नहीं मिलता। कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर सवाब मिलता है और अल्लाह ताला ने ये सवाब इसलिए दिया है कि उसकी अदायगी जरा दुश्वार है, उसके हुरूफ की जो अदायगी है, कुरान मजीद की तिलावत भी एक मुस्तकिल फन है और मुश्किल से अदायगी होती है। तो जब किसी चीज में मुश्किल ज्यादा पेश आती है तो बदला ज्यादा मिलता है, तो कुरान के हुरूफ की अदायगी जरा दुश्वार है, उसे सीखना पड़ता है, तो अल्लाह ताला ने उस पर अजर भी ज्यादा दिया है कि उसका मिनिमम जो बदला है वो 10 गुना, वैसे मैक्सिमम वो जितना चाहे दे दें, लाखों दे दें। तो चूंकि अदायगी दुश्वार है, बंदा मेहनत करके उसे अदा करेगा, सही अदा करेगा, तो उसे सवाब भी ज्यादा दिया है। एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियां दी गई हैं, चूंकि वो मेहनत करता है उसे। तो अब रमजान में तो आप समझ लीजिए कि और उस पर इजाफा हो जाता है, 70 गुना का इजाफा हो जाता है, तो 70 गुना नेकियां इस वक्त भाव मिल रहा है, रमजान के खत्म होते ही ये भाव खत्म हो जाएगा, फिर 10 गुने का भाव रह जाएगा। तो इस वक्त हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। मुबारक है वो जबान जिससे वो कलिमात अदा हों जो कलिमात अल्लाह के कलाम के कलिमात, हुजूर के कलिमात भी नहीं है, हुजूर ने तो उसको जैसा का तैसा सुना दिया, हुजूर के कलिमात नहीं। अगर हुजूर के कलिमात होते और बेन ही ये कलिमात अल्लाह के ना होते जो कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं, हुजूर के कलिमात होते तो हुजूर से फरमाया गया कि आप खुद अल्लाह वहद, मोहम्मद आप लोगों से ये कह दीजिए कि अल्लाह अकेला, ये कह दीजिए खुद अल्लाह वहद, मोहम्मद आप लोगों से ये यूं फरमा दें कि अल्लाह अकेला। आज का तर्जुमा अकेले का है, एक तो सभी मैं बैठा हूँ, मैं एक, आप बैठे हैं, आप एक, एक तो सभी, लेकिन अकेले नहीं, अकेला तो अल्लाह की जात है, हमारे साथ तो सैकड़ों अलायक लगे, एक आदमी किसी का बाप है तो किसी का बेटा है तो किसी का चचा है तो किसी का दादा है, किसी का नाना है, किसी का शौहर है, कितने अलायक रिश्ते लगे हुए। अल्लाह अकेले, उनको किसी टेके की और रिलेशंस की जरूरत नहीं है कि वो किसी के बेटे हों और किसी के बाप हों, किसी के चचा हों, किसी के नाना हों, ऐसा नहीं, वो अकेले, हम लोग अकेले नहीं, गिनती में तो एक है लेकिन अकेले नहीं। अकेला उसे कहते हैं जिसका कोई भी रिलेशन ना, कोई भी रिश्ता नाता किसी से, अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई उसकी टक्कर का है ही नहीं, कोई उसके का कुफू ही नहीं। तो हुजूर से कहा गया कि यूं फरमा दो कि अल्लाह अकेला है,
अगर ये कलाम कुरान मजीद हुजूर का होता तो हुजूर यूं फरमाते, जब अल्लाह ने ये कहा मोहम्मद लोगों से जाके कह दो कि अल्लाह अकेला है, बेनियाज है, अल्लाह समा लम यलिद वलम यूलद, ये जाके कह दो तो हुजूर क्या कहते? हुजूर लोगों से आके ये कहते कि या अय्युह नास इस्मउ अन्नी अल्लाह वहद, ये कहते कहते या नहीं कहते? कह लोगो सुनो अल्लाह अकेला। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं कहा, हुजूर ने बेआईनी वही अल्फाज दोहराए। इसको आप मिसाल में यूं समझ लो कि एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहता है कि बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से यूं कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। ये आपने शागिर्द से कहा क्या कि बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। अब ये तालिबिल्म जाता है और वहां जाके लाइब्रेरियन के पास जाकर बैठ कर कहता है बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। ये कलमा सुनते ही लाइब्रेरियन फैसला करेगा कि ये रिवायत बिल लफ्ज है, जो उस्ताद ने कहा उसने वो ही लफ्ज यहां तक लिया। अगर ये वो लफ्ज नहीं होते तो वो जाके ये कहता कि भाई हमारे उस्ताद ने आपसे तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, खत्म बात अदा हो गई। अगर वो ऐसे कह दे जाकर कि हमारे उस्ताद ने तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, मुझे भेजा है पहली जिल्द मंगाई, बात तो पूरी हो गई। लेकिन कलिमात वो नहीं रहे जो उस्ताद ने कहे। उस्ताद ने क्या कहा था? बेटे तुम लाइब्रेरी चले जाओ और लाइब्रेरियन से कहना कि हमारे उस्ताद के लिए तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई। तो वो वहां बैठ के क्या कह रहा है? बेटे लाइब्रेरियन चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरियन से कहना, वो ही लफ्ज कहना। तो हुजूर ये कह सकते थे कि लोगो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, यूं नहीं कहा। हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने लोगों से आके क्या कहा? क्या कहा? मोहम्मद लोगों से कह दो, लो अरे आप खुद ही कह देते किस्मा वन्नी अल्लाह वाहद, लोगो सुनो अल्लाह एक। लेकिन यूं नहीं कहा, उन्होंने जो कहा था कुल हु अल्लाह वाहद तो लफ्ज कुल भी दोहराया और पब्लिक में आप क्या करें कि मोहम्मद लोगों से कह दो कि अल्लाह एक। अब ये अल्फाज खुद इस बात को बता रहे हैं कि ये हुजूर के अल्फाज नहीं है, ये तो जो लफ्ज अल्लाह ने बोले थे बेनी हुजूर को नकल कर। अगर बेनी नकल ना होते तो ये कह देते कि लोगों सुनो इसमें हुआ नहीं अल्लाह वाह, ऐसा नहीं फरमाया। बल्कि जो अल्लाह ने कहा था हुजूर को, जो कहा था कि मोहम्मद लोगों से कह दो कुल के माना ये, तो वो ही आके लोगों से कह रहे हैं कि मोहम्मद लोगों से कह दो, वो ही लफ्ज दोहरा रहे हैं लोगों से। ये इस बात की दलील है कि ये कलाम बेन ही अल्लाह का है, हुजूर ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, खुद से कहे। और अगर अपने तरफ से हुजूर उसी मफहूम को अदा करे, उसी माना को अदा करे, जैसे वो लाइब्रेरियन जाके कह दे कि भाई हमारे उस्ताद ने आपको सलाम कहा तारीखुल इस्लाम की पहली जिल्द मंगाई, देखो मफहूम तो अदा हो गया। लेकिन ये अल्फाज उस्ताद के नहीं है, ये अल्फाज खुद इसके। अगर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कहते कि इस्मा हुआ नहीं अय्युह नास इस्मा हुआ नहीं अल्लाह वाह, तो ये हदीस होती कुरान में। अगर अल्लाह की बात को हुजूर अपने अल्फाज में ताबीर करें उसे हदीस कहें, और अगर अल्फाज भी अल्लाह के और मानिए भी अल्लाह के मफहूम भी अल्लाह का उसको कुरान कहते, अल्फाज भी उनके और मानी भी उनके। कितनी मुबारक है वो जात कि जो कुरान की तिलावत करे। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो गोया आप अल्लाह के लफ्जों को अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं तो कितना खुश होता है। एक एक हमारे अफ्रीकन लोगों से, हमारे जो अफ्रीकन भाई हैं यहाँ मकामी, अगर कोई एशियन उनसे उन्हीं की जबान में बात करे तो वो खुश हो जाते, खुश हो जाता है कि आप उसी की जबान बात करें। जब आप किसी से उसी की जबान में बात करें तो वो खुश हो जाता है। जब आप अल्लाह का कलाम अल्लाह के ही लफ्जों में पढ़ेंगे तो अल्लाह कितने खुश होते हैं। आप किसी मुसन्निफ की किताब पढ़े वो कितना खुश होता है।
तो जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के अल्फाज और मानी अल्लाह ही के हैं, हुजूर के सदके में हमें नसीब हो गए और हुजूर ने खुद पढ़कर उनको इतना नॉर्मल कर दिया, हमें नसीब हो गए और हुजूर ने खुद पढ़कर उनको इतना नॉर्मल कर दिया। 1418 साल हो गए, कुरान मजीद ही दुनिया की किताबों में एक ऐसी किताब है जो अपने हुरूफ, अपने ज़बान, ज़ेर, पेश, इन सब के एतबार से पेन ही वही है, कोई इसमें मिलावट नहीं हुई और कोई मिलावट कर भी नहीं सकता, उसे सेफ्टी बख्शी है, हिफाजत का वादा किया गया है, कोई इसमें मिलावट नहीं कर सकता। उसके पढ़ने वाले को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि कोई ताकत उसको वरहला कर कोई दूसरा हर्फ, तो बात की बात है, हरकत भी नहीं कहला सकता, जबर जेर भी नहीं बदल सकता। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा, यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि कुरान मजीद कैसा बटवे चला रहा है, उसमें कोई तब्दीली। एक उस्ताद अपने शागिर्द से कह रहा है कि बेटे सूरह लहब पढ़ो, तो शागिर्द कह रहा है तब्बत यदा अबी लहब, तो उस्ताद कहता है बेटे गलत मत पढ़ो, तब्बत नहीं है तिब्बत, तब्बत यदा नहीं है तिब्बत यदा। शागिर ने कहा हजरत आप क्या फरमा रहे, तिब्बत तिब्बत नहीं है तब्बत, कुरान मजीद में तब्बत लिखा हुआ। तो कहा छोटे से होके मुंह मत चला कर नाला कहें मुझसे मुंह चलाते, ये कुरान मजीद में तब्बत लिखा है, तब्बत नहीं लिखा तिब्बत लिखा है, तिब्बत पढ़ा कर तब्बत मत पढ़ा। उसने कहा हजरत आपकी बजूगी और बढ़ाई और इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मैं तो तिब्बत नहीं पढ़ सकता, कुरान मजीद में तब्बत लिखा है, और आप कहें तो मैं आपको बदलाऊ का छला पढ़ा है, कुरान मजीद ला के दिखा है तो देखो इसमें तब्बत लिखा। तो अरे बेटे देखो गलत छप जाता है, गलत छप जाता है, वो तिब्बत था यहाँ तक ता पर जबर गलत छप किया है। ये लिखने वाले भी कभी नालायकी करते हैं, कभी प्रेस की गलती होती है, तो ये गलत छप गया। उसने कहा हजरत गलत यही नुस्खा छप गया, तो दूसरा नुस्खा लाकर, दूसरा नुस्खा लाके दिखाया, देखो इसमें तापर गबर का रे ये भी गलत छप गया, तीसरा दिखलाया था देखो इसमें भी तब्बत लिखा है, तो कहा नहीं गलत छप गया बेटे, तब्बत नहीं है तिब्बत है, बात मान करो, ये बूटे ने धूप में खड़े होके दाढ़ी सफेद नहीं की, बात माना करो तिब्बत है तब्बत। उसने कहा हजरत अगर कुरान मजीद जितने रखे हैं छोटे बड़े हिमाच शरीफ और सभी गलत छपे हैं, तो चलो इन्हें जाने दो, इस गांव का बुढ़े से बुढ़ा हाफिज पुराने से पुराना मैं पकड़ के लाता हूँ, उससे सुन लो आप। तो कहा ला लाए, उनने कहा कि पढ़िए सूरह लहब, तो वो हाफिज ने पढ़ा तब्बत ये था, कहा अरे भाई गलत पढ़ रहे तब्बत नहीं है तिब्बत। भैया मैं तो उसका ऐसे ही सिखाया, कहा अरे वो सिखाया होगा तुम खुद नालायक को गलत याद कर लेते हो, फिर उस्ताद बना दो। शागिर्द ने कहा और दूसरा आदमी लाता हूँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ढेर लगा दिए, हर आदमी तब्बत पढ़ रहा और उस्ताद मान के नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं तिब्बत है, ये सबसे भूल हो गई है, गलत नकल कर लिया है, और छपा भी गलत है, कातिब से भी गलती हुई, और ये उपाज ने भी गलत याद कर लिया है, तब्बत नहीं है तिब्बत। वो लड़के ने कहा कि साहब आप उस्ताद खरे और आपकी बड़ाई अपनी जगह, लेकिन ये बंदा तो मान के ही नहीं देगा, मैं तो तब्बत ही पढ़ूंगा तिब्बत नहीं पढ़ सकता। उस्ताद ने कहा कि बहुत मुंह चलाते हो, छोटे होकर छोटे बनते हो, अगर तुझे मैं लोहे महफूज में तिब्बत लिखा हुआ दिखाऊं तब तो मानेगा। कहता है कि तब्बत नहीं है तिब्बत नहीं है तब्बत, अगर मैं लोहे महफूज में तुझे तिब्बत लिखा दिखाऊं तब, वहां से तो नकल होकर आया जब वही तिब्बत है तो कहा हजरत दिखा दीजिए लोहे महफूज, तो कहा बैठ बैठा आगे बंद कर आगे बंद मुराकिब हो जाए मुराकिब, अब उस्ताद मुराकिब हुए तवज्जो डाली,
तवज्जो डाली तो लड़का देख रहा है कि रोशनी की रोशनी है, एक रोशनी आती है, दूसरी रोशनी आती है, तीसरी रोशनी आती है, फिर उसने एक एक रोशनी देखी स्लेट की तरह, और उस रोशनी में तिब्बत लिखा हुआ, बजाय तिब्बत के तिब्बत लिखा हुआ। तो जैसे ही उसने देखा, क्योंकि उस्ताद ये कह रहे थे कि मैं तुझे लोहे महफूज में तिब्बत लिखा दिखाऊं, तू कैसे तिब्बत पढ़ता तब तो मानेगा। तो जब वो रोशनी में देखा, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तुझे लोहे महफूज में दिखा रहा, तो वो जब रोशनी मुराकबे में रोशनी में देखा और उसमें तिब्बत लिखा हुआ था, तो वो शागिर्द ने फौरन जेल में हाथ डाला। तो उस्ताद ने कहा ये क्या करता है? का चाकू निकालता है, काय के लिए निकालता है, का ये जो लोहे महफूज में ता को जेर लगा इसे खुरचने के, और यहाँ ता के ऊपर जबर बना हुआ, तिब्बत नहीं है तब्बत है, चाहे लोहे महफूज ही क्यों ना हो। उस्ताद ने खड़े होके और गले से लगाया और कहा बेटे मैं भी जानता हूँ कि तिब्बत नहीं है तब्बत है, मैं एक मुसलमान लड़के का इम्तिहान ले रहा था तो उसको कुरान मजीद के जबर जेर पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 50 दलीलें तो एक तरफ, उसे अगर लोहे महफूज कहकर भी कोई शख्स बरगलाना चाहे और किसी रोशनी को दिखला कर कहे कि लोहे महफूज है ये और इसमें तिब्बत लिखा हुआ है, तब भी मैं मान के नहीं देगा और चाकू निकालेगा खर्च। ये है कॉन्फिडेंस कुरान मजीद को। ऐसा वो मनकूल होता चला जा रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उसके इराद को और हुरूफ को बदल नहीं सकती। उस्ताद ने गले से लगाया था, बेटा मैं शाबाश देता हूँ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपने मौकफ से नहीं हटा सकती, तुमने अपने असातिज़ा से जिस तरह पढ़ा है और हुजूर से जिस तरह चला आ रहा है, तबकतन बाद तबकते कुरान मजीद को तवातुर तबके से सारा, तो एक ऐसा कलाम कि जिसका खुदा का कलाम होना इतना यकीनी हो कि दुनिया की कोई किताब इतनी यकीनी मौजूद नहीं है, उस कलाम को उन गुरूफ को जो अल्लाह ही के हैं उनको हम अदा करें, कितनी बड़ी सआदत की बात, वो जबान कितनी मुबारक हो जाती, उस पर कितना अजर और सवाब मिलेगा, अल्लाह कितने खुश होते होंगे जब बंदा उनके कलिमात को उन्हीं की जबान में अदा करे। एक हम में खराबी भी पैदा हो गई, हमारा हाल ऐसा हो गया है जैसा कि घड़ी साज या मशीन वाले के चार सूरी से करते हैं कि मसलन आपकी मशीन जापानी है, घड़ी जापानी है, अब घड़ी को आप ले गए और कहा कि भाई इसका एक पुर्जा टूट गया है और देखो ये हमारी घड़ी जापानी है, इसके दो पुर्जे टूट गए हैं, आप जापान ही के पुर्जे डाल देना जो घड़ी से मैच खा जाए, इंडियन पुर्जे मत डाल दें, किसी और जगह के पुर्जे मत डाल दें। इंडिया बेचारा वैसे भी बदनाम हो गया है सारी चीजें बनाने में, वो किसी ने क्या किया कि ये जो ये बिल्कुल बाल की तरह बारीक कोई तार खींचा, बिल्कुल बाल के बराबर बारीक, तो ये कहा चाइना वाले ने कि देखो हमारी सनत और हिकमत कि हमने कितना बारीक बाल खींच दिया इस लोहे में से कि जो कोई नहीं खींच सकता, ये हमारी कला है, हमारा आर्ट। तो जापान वालों ने कहा कि अगर तुम्हारी ये कला है तो ला हमें दो, और लेकर जापानी कलाकार ने उसमें चूड़ियां डाल, इतने बारीक में चूड़ियां डाल, वो कहा कि तुम्हारी कला अगर ये थी कि तुमने इतना बारीक तार खींच दिया, तो हमारी कला ये कि हमने इतने बारीक तार में चूड़ियां डाल दी नीचे से ऊपर। तो एक इंडियन भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि अब हमारी कला देखो, लाओ ये मुझे दो। मैं भी जब एक जापानी ने कला दिखाई आर्ट दिखाया और जर्मन वाले ने चूड़ियां डाल के दिखाया, तो मैं भी इंडिया में मैं कला दिखाता, उसने ये कला दिखाई तो उस पर मेड इन इंडिया लिखी। मेहनत की दान। तो हमारा हाल भी अब जब घड़ी वाले से ये कहेंगे कि भाई हमारी घड़ी के दो पुर्जे बाल कमानी निकल गई है, इसका फलन पुर्जा निकल गया है, से निकल गया है, गरारी निकल गई है, तो हमारी घड़ी तो भैया जापानी है, तुम्हारे पास अगर जापानी पुर्जा हो तो डाल, वो जापानी नहीं है तो हम नहीं डलवा, तो वो कहता नहीं अरे तो जापानी डालेंगे बिल्कुल लाओ, और उसने इंडियन डाल किस जापानी
इंडियन फूड डाल के दे देता है, चलो ले जाए तो कितनी चलेगी। जाहिर है कि जिस जगह की वो घड़ी बनी उसमें वही पुर्जे होने चाहिए। अगर दूसरे पुर्जे डाल दोगे तो उसकी कैपेसिटी और उसकी जो उम्र जितनी होनी चाहिए वो नहीं रहेगी, इसलिए कि वो उसमें पुर्जा ढीला पड़ गया, कमजोर डाल दिया। उसमें मसलन ढला हुआ था किसी सिल्वर का, आपने लेके उसमें डाल दिया उससे नीचे की धातु, तो उसकी जो ताकत थी वो ताकत कमजोर पड़ गई। हमारा हाल भी यही है कि कुरान मजीद हम पढ़ने बैठते हैं, अब जो हुरूफ हैं वो हुरूफ पुर्जे। हम क्या करते हैं कि कुरान मजीद जो अरबी है और मुनज़्ज़ल मिन समाय आसमानी है उसमें इंडियन पुर्जे डालते हैं, उसको हम उर्दू के लहजे में अदा। हमारा पादा होगा तो जो जो अरब पुर्जा है वो होना चाहिए, बा अरबी बा जहां से अदा होती वहीं से अदा करे। लेकिन हम कुरान मजीद की तिलावत में उस हुरूफ अपने डाल देते हैं, इंडियन हुरूफ डाल, उर्दू के हुरूफ दाखिल कर देते। अरबी हा कहां से निकलती है हम वहां से नहीं निकालते, अरबी काफ कहां से निकलता है अरबी काफ हम नहीं निकालते, हम फर्क नहीं करते। तो गोया हम उसमें ऐसे हुरूफ दाखिल कर देते हैं जो अपनी जबान के, अपनी जबान के दाखिल कर देंगे तो पढ़ने में वो तासीर रहेगी। कुरान तो आसमान से नाजिल हुआ है, अरबी जबान में नाजिल हुआ है, तो उसमें अरबी ही पुर्जे डालने चाहिए, अरबी हुरूफ अदा होने चाहिए, अरबी हुरूफ जिन मखारिज से अदा होते हैं उन्हीं से। अगर आप दूसरे मखारिज से अदा कर देंगे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि आपने जापानी घड़ी में इंडियन पुर्जे डाल दिए है, बंगाली पुर्जे डाल दिए, तो उसकी अदायगी अगर सही हो जाए तो फिर उसका एक असर होता है। उस असर को कुरान मजीद का एक खास असर होता है, कि कितनी बड़ी सआदत की बात है कि हम कुरान मजीद को जो अल्लाह के कलिमात हैं हमें हुजूर की विसातत से अपनी जबान में पढ़ने का मौका और सआदत मिली हुई है। ज्यादा से ज्यादा हम कुरान मजीद की तिलावत करें, ऐसी किताब की तिलावत हम कर रहे होंगे तो उससे ज्यादा मुस्तनद कोई किताब मौजूद नहीं। अल्लाह की जात बड़ी खुश होती होगी, जिसका भी आप कलाम पढ़े वो आदमी खुश होता है। आपने कोई किताब लिखी हो और लोग आपकी किताब पढ़ रहे हो तो आप खुश होते हैं। आपने अगर अखबार में कोई मजमून लिखा हो और उसे दुनिया पढ़ रही हो तो आप खुश होते हैं कि मेरा मजमून पढ़ा जाए। अल्लाह की किताब जब पढ़ी जाती है अल्लाह खुश होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, घेर लेते चारों तरफ से, वो रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपका फला बंदा बैठकर आपकी कुरान मजीद को पढ़ रहा है, और वो बेचारा अरबी जबान वाला भी नहीं है तो खूब कोशिश करता कि पढ़ रहा है, अटकता है फिर लौटाता है, अटकता है फिर लौटाता है, और जो गलती होती है उसकी माफी चाहता है तो अल्लाह बेहद खुश उसको नवाजते। तो ये जो दिन चल रहे हैं इसमें पूरी तवज्जो के साथ पूरे इन्हेमाक के साथ हम कुरान मजीद की आदात की रियायत रख के ज्यादा से ज्यादा कुरान मजीद पढ़ें। अल्लाह का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमें उसके पढ़ने की ताकत नसीब हो गई, हम उसको याद भी कर लेते हैं, सीने में महफूज भी कर लेते हैं, मुसलमान बच्चा उसको याद कर लेता है। अल्लाह ने याद करने के लिए भी उसे आसान कर दिया, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। एक माना ये भी कह गए कि हमने याद करने के लिए कुरान मजीद को आसान कर दिया, कोई याद करने वाला है तो याद करने बैठो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह ताला याद करा देंगे। तो एक बहुत बड़ी नेमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सस्ते में कुरान के रूप में हमें मिली हुई है, मगर हम उसकी कदर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते, हमारी तवज्जो हट गई। ये तस्वीर भी हम घुमाते रहते हैं, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का नाम इस पर लिया जा रहा है, और जब आप अल्लाह का नाम करेंगे तो जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं अल्लाह आपका तस्करा करते हैं, उसकुरूनी अस्कुर, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ, तुम जिस मजमे में मुझे याद करो मैं उससे अच्छे मजमे में तुम्हारा तस्करा करूँ। तो कितनी बड़ी नेमत है कि आप अल्लाह का नाम लें अल्लाह आपको याद करे, कोई बड़ा आपको याद कर ले, ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी तवज्जो नहीं, ये माला भी हमें माला, जैसे एक हिंदू शायर ने कहा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो जग में फिरे ऐसे सुमरण ना,
एक हिंदू शायर कह रहा है कि माला तो तुम हाथ में फिरा रहे और जबान मुंह में फिरा रहे और तुम्हारा दिल तो पूरी दुनिया में फिर रहा है, इसको इबादत किसने कहा, इसे जिक्र किसने कहा, इसे जिक्र कहते। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, मनुआ तो जग में फिरे ऐसे सुमरण माए, इसको जिक्र और इबादत नहीं कहते। इबादत तो उसे कहते हैं कि इधर अल्लाह का नाम निकले तो दिल भी उसकी तरफ मुतवज्जो, दिल का ताल्लुक होना चाहिए। माला फेरत चुग भया फेरा न मन का फे, तो मन का डार के मन का फे। माला फेरत चुग भया यानी सदगे गुजर गई तस्वीर पढ़ते पढ़ते। माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, लेकिन जो दिल की कची है और टेढ़ापन है वो नहीं निकला, तो ये हाथ की तस्बीह फेंक दो और दिल की तस्बीह घुमाओ, ये कह रहा है शायर। माला फेरत जुग भया फेरा न मन का फेर, तू मन का डार के मन का फेर। मन के लफ्ज को कई माना मिल गया, बार दफा एक लफ्ज होता और कई माना देता, एक माना होता है एक ही लफ्ज वो कई माना दे रहा है, तस्बीह के माना में भी है हाथ के माना में भी है कई माना में देता है। जैसे वो एक औरत चिराग लेके जा रही है और वो साड़ी के पल्लू से उसको आड़ किए कि बुझे न जाए, तो वो शायर कह रहा है उस पोजीशन को देखकर कि सारग ले सारग चली कर सारग की ओर और सारग झिलमिल देख कर सुसारग कर गई चोट, ये नीचे हवा में चिराग हो जाए। सारक देखो सारक को औरत के मान, सारक ले सारक चली और सारक चिराग के मान, कर सारक की ओर सारक साड़ी के पल्लू के मान, और सारक झील में देख कर यानी साड़ी को पतला पाकर सो सारक कर गई चोट, सारक हवा के मान। एक ही सारक लफ्ज है इतने माना दे रहा है, औरत के माना भी दे रहा है, साड़ी के माना भी दे रहा है, हवा के माना भी दे रहा है, चिराग के माना भी, यानी एक ही लफ्ज कितने माना देगा। अगर तवज्जो हो दर दस्त तस्वीर और दर दिल फल गाओ हर ईच उ तस्वीर चेकार दस्त, हाथ में तो तस्वीर है और दिल में सो जाए गधा जाना रात में लौटा है नहीं, गाय का क्या हुआ बैल आया है नहीं आया, दुकान खोली है नहीं खोली, तो ईच उ तस्वीर चे दार दसर। हजरत खानवी ने फरमाया कि शायर ने जो बात कही हमें पसंद नहीं, चुनी तस्वीर चे दारत असर नहीं, ई चुनी तस्वीर हम दारत असर, तस्वीर पकड़े रहो, आज आज खेत का ख्याल रहेगा कल दुकान का रहेगा कितने दिन रहेगा, इस ख्याल की वजह से तस्वीर छोड़ो मत, ये मत सोचो कि तस्वीर पढ़ेंगे हमारा दिन तो इधर उधर रहता है इसलिए चलो तस्वीर रख दो, नहीं तुम तो लिए रहो, चलो 10 साल तक गधे का और दुकान का और खेत का ख्याल आएगा, फिर 10 साल के बाद तो तवज्जो हो कभी, तो तस्वीर तो मुजक्किर वो हाथ में होगी तो अल्लाह का नाम लेने को दिल चाहेगा याद दिलाएगा, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि दिल किधर है, तुम तो लिए रहो इंशाल्लाह दिल सही हो जाएगा, जरा कोशिश भी करनी पड़े। असल में हम लोगों का क्या है, बदपरहेजी बढ़ गई है, कुरान भी पढ़ रहे हैं, कितने लोग कुरान पढ़ रहे होंगे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं और ज़कात भी दे रहे हैं, रात में तरावी में भी खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ फायदे नहीं, जैसे थे वैसे ही रहते, क्यों परहेज नहीं, नुस्खा तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दवा तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं, परहेज अगर करें तो फरिश्ते हमसे वो मुसाफिर करते हो जाए, परहेज नहीं, रोजा भी चालू है झूठ भी चालू, रोजा भी कुरान भी पढ़ रहे हैं और गइबत भी, बाकी तो कुरान पढ़ते पढ़ते भी गइबत करते रहे, दो बैठे हैं नहीं तो पढ़ रहे हैं, तो 10-5 आयत पढ़ी फिर उससे गाफ लाना तो नाला है मानी, यानी कुरान में पढ़ते ही पढ़ते। तो एक मरतबा इम्तिहान का पर्चा चल रहा था तो एक तालिबे दूसरे तालिबे की चोरी कर रहा है इम्तिहान गाह में, इम्तिहान गाह में आगे वाले का, आगे वाले ने क्या लिखा वो चुरा रहा देख रहा है कि मैं भी लिख दूं, और वो चोरी करते वक्त पर्चे में हल क्या कर रहा है, कुरान मजीद का पर्चा वो चोरी कर रहा है, और जिस आयत की वो जिस आयत के लिए बकूम चोरी कर रहा है वो आयत ये है कि सारे को सारे का तो पफ्ता हुआ है, यानी चोर का चोर औरत हो या मर्द उसका हाथ काट दो, इस आयत की तस्वीर करते वक्त तो पर्चा लिखते वक्त भी चोरी कर रहा है। तो हमारी परहेजी बड़ी, हम रोजे भी रखते रहते तिलावत भी करते परहेज, काश के हम परहेज
परहेज न करने की वजह से कोई रौनक ही नहीं। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, कितने दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ पढ़ हम बुराइयां नहीं छोड़े, कबीरा गुनाह नहीं छोड़े, सगीरा सगीरा तो अपन करते ही नहीं है, बड़े ही करते, छोटे क्या करते, या करने ही है तो बड़ा ही करो, छोटा तो कोई नहीं करता। अगर आदमी मस्जिद से बाहर निकले और जरा पैर की टक्कर से दूसरे की चप्पल इधर हो जाए तो फौरन सीधा करते, इसलिए कि सगीरा तो हमें करना ही नहीं। लेकिन यही आदमी जो दूसरे की जरा चप्पल टेढ़ी हो गई तो हाथ से सीधी कर रहा है, यही आदमी उसकी हिबत है, किसकी, वही चप्पल वाले। तो जो बुराई है वो नहीं छूटती, और बुराई नहीं छूटेंगी रौनक नहीं आएगी। बुराई छोड़ के नमाज पढ़ के देखो कैसा मजा आता है और कैसी रौनक पैदा होती है। तो बुराई भी छोड़ो, जो झूठ है, रिवत है, चुगली है, जलन है, हसद है, बोखल है, ईजा रसानी है, दूसरे के माल पर कब्जा करना है, चोरी गजब गजब करना, ये जो चीजें हैं वो सब छोड़नी पड़ेगी। जब ये रजाइल को छोड़ोगे और फजाइल इख्तियार करोगे तो इबादात में एक नूर पैदा हो, एक नूर पैदा हो। इनको छोड़ना पड़े, रजाइल को छोड़ना पड़े। वही आपका मुरब्बी और शेख है जो आपसे रजाइल निकाले आहिस्ता आहिस्ता और फजाइल डाले। जैसे वो हिंदी शायर ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह और सार सार को ग्रहण करे भूसा दे उड़ा। वो कह रहा है कि पीर तो ऐसा होना चाहिए, शेख ऐसा होना चाहिए। वो पीर और शेख को साधु कहते हैं, साधु या संत और शेख तो ऐसा होना चाहिए, मुरब्बी ऐसा होना चाहिए, मुसले ऐसा होना चाहिए, रिफॉर्मर ऐसा होना चाहिए जैसा कि सूप होता है। सूप जानते हैं, वो सूप नहीं है मुर्गे का बनाते पीने के लिए। सूप से मुराद वो बांस की बना हुआ वो होता है जिससे गेहूं फटकते, देखा होगा वो औरतें गेहूं रख लेती हैं या जवारी और फिर हाथ मुंह से लेके यूं यूं फटकती हैं तो जो पोचे पोचे दाने हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो भूसा है बाहर निकल जाता है, और जो शादाब शादाब गठे हुए दाने वो अंदर रह जाते हैं। तो जो भूसा है, कंकर है, पोचे पोचे दाने हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा तो वो साधु ये कह रहा है कि पीर में तो ये सिफत होनी चाहिए, पीर में, शेख में, मुसले में, मुरब्बी में, वालिद में, उस्ताद में, सूप जैसी सिफत होनी चाहिए कि वो अपने तलबा को, वो अपने मुरीदीन को, वो अपने मुरब्बों को, वो अपने जेरे इस्लाह जेरे तरबियत लोगों में से रजाइल को निकाल, सूप जैसे निकालता है रजाइल को निकाले और फजाइल उनमें जमा करे, गोया उन्हें मुखल्ला ने रजाइल करे और मुहल्ला बिन फजाइल। वो तो आपका मुसले, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इस्लाह क्या। तो अगर हम परहेज जरा सा कर लें, बिना परहेज के कोई दवा, आला से आला आप दवा जुकाम की खा लो लेकिन खट्टे खट्टे लींबू दिन भर चूसते रहो तो जुकाम की 10 रुपए की टेबलेट भी कोई फायदा नहीं। और अगर आप ये छोड़ दें वो लींबू चूसना तो कहो बिना दवा की ठीक हो जाए, इसलिए परहेज की सब। ये चंद बातें मैंने शायद बहुत ज्यादा ले लिया इसीलिए घड़ी बता रहे हैं, तो वो ये कुछ बातें इस वक्त याद आ गई, जिक्र कर दी। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और फिर भी अल्लाह के नाफिस कमजोर आजिज बंदे हैं जो गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह ताला इन नेक दिनों की बरकत से, कुरान की बरकत से, रोजों की बरकत से, रमजान की बरकत से, और इन दिनों में जो अल्लाह के नेक और साले बंदे अहलुल्लाह इबादत कर रहे हैं उनकी बरकत से और अपने फजल करम से हमारे गुनाहों को, हमारी नालायकियों को, हमारी खताओं को, हमारी कोताहियों को, लवजिशों को, और हमसे जो फरोगदाश्त हो रही है उनको अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन व अली व असहाबी व अहले बैतिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन www.attableek.com, the reviver of Iman.